हेलो क्लास सेवेंथ, पार्ट 15 प्रकाश के प्रश्न उत्तर आज हम डिस्कस करेंगे। और पहला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। पहला भाग उसका है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके वह डैश कहलाता है। अब बच्चों, हमने पढ़ा है कि दो टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, कौन कौन से। एक होता है रियल इमेज या फिर वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब या फिर वर्चुअल इमेज। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा प्रतिबिंब है जो कि पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, वह है आभासी प्रतिबिंब। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। अगला भाग, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल डैश द्वारा बना होगा। अब बच्चों देखो, यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण या लेंस। तो बच्चों हमने ये पढ़ा हुआ है अपनी लेक्चर वीडियो में भी कि जब प्रतिबिंब आभासी और साइज में छोटा होता है तो वह उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है, उत्तल दर्पण। अगला भाग, यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब का साइज का बने तो दर्पण डैश होगा। अब मैंने आपको बेटा एक उस लेक्चर वीडियो में एक्टिविटी भी करके दिखाई थी, जिसमें हमने क्या किया था, एक शीशे के सामने मोमबत्ती रखी थी और उसमें जब मोमबत्ती का हमने साइज देखा था तो हमने उसके प्रतिबिंब को देखा था कि मोमबत्ती जिस साइज की थी उसी साइज, समान आमाप या सेम साइज का उसका इमेज या प्रतिबिंब बनी थी। तो यहां पर अगर प्रतिबिंब बिंब का साइज का है, मतलब वस्तु का साइज का है, तो दर्पण होगा समतल दर्पण। अगला भाग, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। अभी हमने यहां पर आभासी प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था, अब हम उस प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, तो वह कौन सा होगा बच्चों, रियल इमेज या फिर वास्तविक प्रतिबिंब। अब इसका बच्चों लास्ट भाग देखिए, अवतल डैश द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा अवतल लेंस में होता है या ऐसा अवतल दर्पण में होता है, अवतल लेंस में। अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं जो कि है सत्य और असत्य। पहला भाग है उसमें, हम उत्तल दर्पण से आवर्धित तथा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें आधा स्टेटमेंट इसका सही है कि हम उत्तल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, पर प्रतिबिंब जो होता है वो आवर्धित होने की बजाय साइज में बिंब यानी वस्तु से छोटा होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला भाग, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, हमने उसको इमेज में भी देखा है, तो इस स्टेटमेंट का उत्तर है सत्य। अगला भाग, अवतल दर्पण से हम वास्तविक आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो यही तो डिफरेंस है अवतल लेंस में और अवतल दर्पण में, अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है जबकि अवतल दर्पण जो है उससे वास्तविक आवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब बच्चों हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, जिस इमेज को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं वह कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज या फिर आभासी प्रतिबिंब। पर यहां हमसे पूछा है वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि वास्तविक या रियल इमेजेस हमेशा पर्दे पर प्राप्त की जा सकती है। तो अगला भाग है बच्चों, अवतल दर्पण सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अब बच्चों अगर इसमें यह शब्द सदैव न होता तो यह स्टेटमेंट सत्य हो सकती थी, पर यहां पर सदैव आ गया है जो कि गलत है क्योंकि अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब तो बनाता ही है
पर अगर वस्तु या बिंब उसके बिल्कुल दर्पण के बिल्कुल पास रख दी जाए तो क्या होगा, तब वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए यह स्टेटमेंट सत्य नहीं है। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।